नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम झारखंड के जितने दल है वो अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। अगर इसी कड़ी में बात करें आजसू की, तो आजसू में फिर से आज एक बार चतरा के बड़े चेहरे हैं अशोक गहलोत, उनकी घर वापसी हुई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आज दोबारा से आजसू का दामन थामा है और हमारे साथ इस वक्त यह मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं आज घर वापसी हो गई, लंबा समय वनवास पर रहे, क्या कहेंगे? ये सुबह भुला घर के शाम को आना ये कहते हैं, और सुदेश जी से हमारा पुराना पहले से ही लगाव था और आज घर वापसी पुनः हुई, अच्छा लगा। और सुदेश जी वैसे भी हम सब युवाओं के धड़कन है और युवाओं के जो मान और सम्मान सुदेश जी के द्वारा जो दिया जाता है कहीं और नहीं रहता है, और इनका जो विचार जो सोच है उससे प्रभावित होकर के हमने फिर से पुनः घर वापसी हुआ है। चतरा में अभी हाल में मामला गर्म है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो सांसद कोई स्थानीय नहीं जीती, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोग इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और वहाँ पर कुछ अलग रणनीति बनेगी? देखिए, लोकसभा का जो है हम कुछ नहीं इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, न विधानसभा पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। आज सिर्फ हम एक सदस्य के रूप में हम आजसू पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए इसमें हम टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। नहीं, ऐसी चर्चा है कि आप लोकसभा के वहाँ प्रत्याशी हो सकते हैं, आम लोगों में यह चर्चा है? नहीं, ये आपको गलत है, कन्फ्यूजन है। अच्छा। आपको कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं से हुआ, हम विधानसभा के लिए हमेशा दावेदारी किया है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन में टिकट आजसू के खाते में जाएगा, ये हम कैसे कह सकते हैं करके? मैंने कहा ना कि ये तो हमारे नेता जो सुदेश महतो हैं, आप उनसे ये प्रश्न करिए करके। हम एक सदस्य के रूप में आ जाए हैं, पार्टी जो हमको निर्देश देगी, आदेश देगी, हम उस तरह से पालन करेंगे और पार्टी का जन जन तक पहुंचाएंगे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, बूथ स्तर पे मजबूती करने का काम करेंगे। आपके आने से आजसू वहाँ कितनी मजबूत होगी? बहुत बल मिलेगा, बहुत मजबूत होगा, पूरा चतरा विधानसभा ही नहीं चतरा जिला बहुत मजबूत होगा करके, क्योंकि उसमें मान और सम्मान लोगों को चाहिए वहाँ पर। तो हमारे आने से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे लोग करके, और मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा वहाँ संगठन। क्या आपके आने का इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से, कहीं हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यदि पार्टी ने एनडीए गठबंधन में जो भी लोकसभा में उम्मीदवार होगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और हम एनडीए गठबंधन के साथ में रहेंगे। अगर बात करें चतरा की मूलभूत समस्या की, तो जैसे कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि जो वहाँ के मंत्री सत्यनारायण भोक्ता, वहाँ से विधायक, उनके ससुराल में ही लाइन नहीं है। बहुत समस्या तो अनगिनत है वहाँ, अब गिनाते लगेंगे तो घंटों लग जाएगा। उसमें मूलभूत समस्या विकास हुआ, हम ही नहीं कह सकते हैं कि धरातल पर नहीं उतरा है। पिछले सरकार जो रघुबर के सरकार में बिजली भी पहुँची है घर घर, रोड भी बना है वहाँ पर, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है वहाँ पे। शिक्षा पे बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा का स्थिति एकदम चरमराया हुआ है। रोज़गार तो दूर दूर का, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके पास श्रम मंत्री भी है, लोग प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमजोरी है, तबे तो सही करके क्षेत्र ये अभी हम क्या कह सकते हैं करके। आपका क्या विजन कोई होगा ना कि आगे हम जब वापस, अगर आपको मौका मिलता है विधायक बन, तो क्या कुछ चतरा के लिए करेंगे? चतरा के लिए दो तीन चीज है, स्वास्थ्य प्रायोरिटी क्या होगा? मेरा प्रायोरिटी होगा कि वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है ग्रामीण स्तर पे, जो लोग मैट्रिक पास करके आठवां पास करके घर में बैठ जाते हैं, उनके माँ बाप शादी ब्याह के लिए सोचने लगते हैं। मेरा सोच है कि नहीं, वो हमारी बच्चियाँ भी बेटियाँ भी पढ़े और आगे कॉलेज तक करें, उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम करेंगे करके प्लान है हमारे पास, सुदेश महतो के पास भी प्लान है करके। और स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि हमारे लोग आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग वहाँ पे रेफर कर दे रहा है हॉस्पिटल, और यहाँ आते आते हमारे लोग मर जाते हैं। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सारी कमी है, ब्लड बैंक नहीं, लोग ब्लड के लिए मर जाते हैं लोग। इन सब चीज़ों पर काम करना है हमको। शिक्षा में बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, आए दिन लोग वहाँ हमारे आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी हमारे यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उनका व्यवस्था सुविधा उस तरह से नहीं मिला हुआ है करके। तो सिंचाई की भी एक बड़ी समस्या रही है वहाँ, बहुत बड़ा समस्या है। अभी किसान मर रहा है, अभी देखिए बारिश नहीं हो रहा, अकाल है, किसी पार्टी को चिंता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग इस पर आंदोलन भी करेंगे, सुखाड़ घोषणा किया जाना चाहिए करके,
क्योंकि वहाँ पे अभी के वर्तमान में जो हैं वो खड्डा खोदवा दे रहे हैं और न सिंचाई उससे होना है न कुछ होना है, सिर्फ और लूट खसोट हो रहा है करके। तो किसान बहुत बेहाल है वहाँ पे करके। उनको क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में गहलोत जी वहाँ की जो समस्या, स्थानीय जो समस्या है, वहाँ के लोगों का जो बुनियादी समस्या है, 75 वर्षों की आज़ादी में जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करते नजर आए? निश्चित रूप से वहाँ का अभी निश्चित रूप जितनी भी समस्या है उसको लेकर के पूरे आसू के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके जन आंदोलन करेंगे और पुरजोर तरीके से जरूरत पड़ेगा धरना प्रदर्शन है धरना भी करेंगे और ध्यान आकृष्ट करवाएंगे सरकार को कि इन ओर में देखिए अभी ये समस्या आएगा। थोड़ा देर पहले जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप कोई किसी प्रखंड बनाने की मांग रहे, तो क्या है वहाँ पर समस्या और कितनी दूर वहाँ से जो फिलहाल प्रखंड है? हंटरगंज है, हंटरगंज में 28 पंचायत हैं। पिछले आज से 2009 के सरकार में सुदेश महतो जो कैबिनेट में थे वहाँ पर आनंद फानंद सरकार गिर गई थी, वहाँ जोरी को प्रस्तावित प्रखंड था वो घोषणा हो गई थी, लेकिन ये सरकार हेमंत सरकार 1.5 साल के कार्यकाल के लिए आई थी बीच में, जो उस टाइम निरस्त कर दिया था इन्होंने, तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन देना और वहाँ के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 28 पंचायत के लोग वहाँ से 20 किलोमीटर लोग जाते हैं वहाँ पे, वहाँ थाना बना हुआ है तो वहाँ पे प्रखंड भी होना ज़रूरी है करके, आबादी उसी हिसाब से है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप आजसू को जब छोड़कर चले गए तो साथ ही प्रखंड का मुद्दा भी कहीं ना कहीं गौन हो गया, अब वापस आए तो फिर से आवाज़ उठाएंगे, तो नए सिरे से मतलब आपको सड़क तैयार करनी है अपने सियासत पारी की? नए तरीके से संगठन बनाएंगे, गांव-गांव और जाएंगे, मेरे जो पुराने साथी हैं आजसू के लोग उनको ले करके संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन बहुत धारदार संगठन बनेगी और आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे, सुदेश महतो को बुलाएंगे, एक एक प्रखंड में उनका कार्यक्रम करेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे वहाँ। फिलहाल वहाँ जो विधायक है सत्यन भुक्ता, पर फिलहाल उम्मीद जैसा कि जताई जा रही है कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो आप ये सवाल तो पूरी तरह तैयार है? हाँ तैयार है करके, एनडीए गठबंधन में जो गठबंधन की बात है, जो जिसको भी नेता भेजेगा उसको हम लोग खुल करके सपोर्ट करेंगे और तन मन धन से काम करेंगे। तो आपने सुना ये अशोक गहलोत थे जो चतरा में पहले भी काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में आज चुके थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि पार्टी से अलग हटकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन फिर से अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है तमाम नेताओं की किसी घर वापसी तो कोई दूसरे पार्टी में जाकर सदस्यता ले रहे हैं, और वापस से अगर बात करें अशोक गहलोत की तो आजसू का दामन थाम लिया है। अब वहाँ की जो चतरा विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या है उसे लेकर सड़क पर आंदोलन करते दिखेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में वहाँ से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही, अपने सहयोगी आदित्य सिंह के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।